हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज के इस लेसन प्लान की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे देखने वाले हैं इंग्लिश पोएट्री का, यहाँ पे लेसन प्लान मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। और इस लेसन प्लान का अगर क्लास की बात की जाए तो क्लास 7th है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगे, आप लोगों को हेल्प मिले इस वीडियो से, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। और ऐसे वीडियो डेली बेसिस पे देखने के लिए, अगर आप लोग लेसन प्लान से रिलेटेड वीडियोज़ देखना चाहते हैं, माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं, या फिर आपको इसके अलावा कोई लेसन प्लान बनवाना है ऑन डिमांड, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं 1 से 2 दिन के अंदर आप लोगों की वीडियो चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा दूंगा। बस आपको एक छोटा सा काम करना है, नीचे सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करके रखना है। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखना है, जिससे मैं आप लोगों की वीडियो आप तक पहुँचाऊँ तो आपको पता चल जाए कि आपकी वीडियो बन गई है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, यहाँ पे लिखा गया है लेसन प्लान नंबर 6। जो भी आपका लेसन प्लान का नंबर होगा, सबसे पहले जिस पेज से आप पाठ योजना बनाना स्टार्ट करेंगे, लेसन प्लान बनाना स्टार्ट करेंगे, उसके बीचों बीच जिस तरीके से लेसन प्लान नंबरिंग करनी होती है, डेट लिखना होता है, जिससे ये पता चलता है आपने किस डेट में कौन सा लेसन प्लान पढ़ा है। सब्जेक्ट है इंग्लिश पोएट्री का। नेम ऑफ द स्कूल, यानी कि आपको स्कूल का नाम लिखना है जिस स्कूल में आप जाएंगे टीचिंग करने के लिए। क्लास 7th है। पीरियड 5th है। आपका जो भी पीरियड होगा उसको लिखिएगा। ड्यूरेशन 35 मिनट का है। और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है द मून। टॉपिक है द मून। अब नेक्स्ट हेडिंग आता है आपका जनरल ऑब्जेक्टिव्स। जनरल ऑब्जेक्टिव्स हेडिंग के अंदर आपको आपका जो सब्जेक्ट होता है उसको पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं, उनको क्या नॉलेज देना चाहते हैं, उसके बारे में जनरल ऑब्जेक्टिव्स में कम से कम 4 से 5 पॉइंट और मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट लिखा गया है टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू इन्जॉय द ब्यूटी ऑफ द पोएम। सेकेंड पॉइंट है टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू अप्रिसिएट पोएट्री। थर्ड पॉइंट है टू डेवलप द इमेजिनेशन ऑफ द स्टूडेंट्स। फोर्थ पॉइंट है टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू इन्जॉय द राइम एंड स्टाइल ऑफ द पोएम। और फिफ्थ पॉइंट है टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द थॉट कंटेंट इन द पोएट्री लेसन। नेक्स्ट हेडिंग आपका आता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में आपका जो टॉपिक होता है, जैसे हमारा आज का टॉपिक क्या है, द मून, इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद बच्चे क्या सीखने वाले हैं, उनको आप क्या सिखाना चाहते हैं, उसके बारे में स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में आपको बताना होता है। कम से कम 2 से 3 पॉइंट और मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट लिखा गया है टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू इन्जॉय द ब्यूटी ऑफ द पोएम द मून। सेकेंड पॉइंट है टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू अप्रिसिएट द राइम एंड स्टाइल ऑफ द पोएम। थर्ड पॉइंट है टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द आइडिया एक्सप्रेस इन द पोएम द मून। नेक्स्ट हेडिंग आता है यहाँ पे प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज में देखिए लिखा गया स्टूडेंट हैव ऑलरेडी लर्न द सिमिलर पोएम। अगली हेडिंग है मटेरियल एड्स। मटेरियल एड्स में देखिए लिखा गया पिक्चर ऑफ द मून एंड मदर। अब लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग आता है, जिसको कहते हैं इंट्रोडक्शन। इसको हिंदी में कहते हैं प्रस्तावना। इंट्रोडक्शन को आपको यहाँ पे 3 कॉलम में डिवाइड करना है, पीपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी और टीचिंग एड। पीपल टीचर का मतलब होता है आपको यहाँ पे आप पीपल टीचर हैं, आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों से, बच्चे उसका आंसर देंगे और उस क्वेश्चन के द्वारा जो पूछे हैं आप, उसमें कोई टीचिंग एड यूज किया है, अपने चार्ट का यूज किया है, कोई मटेरियल यूज किया है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो कम से कम 3 क्वेश्चन करके अपना टॉपिक निकलवा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपने टॉपिक निकलवाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, पीपल टीचर पूछेगा, पीपल टीचर विल आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चन, द एक्सपेक्टेड आंसर ऑफ द स्टूडेंट वुड बी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम वेयर डज द रेन कम। स्टूडेंट आंसर देंगे द रेन कम्स फ्रॉम द स्काई। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट डू यू सी इन द स्काई इन द डे। स्टूडेंट बोलेंगे सन। थर्ड क्वेश्चन है What do we see in the sky at night? तो बच्चे बोलेंगे we see moon and stars in the night। ठीक है, यहाँ पे yes यू एन होगा, ध्यान दीजिएगा, yes ओ एन नहीं होगा, yes यू एन होगा। फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पे How does the moon light in the sky? प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चन हो गया, प्रॉब्लमैटिक लिखिए। स्पेस यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ द एम लिखना है आपको, और इसको क्लास में आपको बोलना भी होता है। देखिए यहाँ पे इसका मतलब होता है आपको टॉपिक बताना होता है बच्चों को। तो यहाँ पे बोलेंगे वेल स्टूडेंट्स टुडे वी शैल रिसाइट एन इंटरेस्टिंग पोएम द मून। अब इस चैप्टर को स्टार्ट कर सकते हैं आप पढ़ाना। इसको कहते हैं इंट्रोडक्शन के बाद प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन को यहाँ पे 4 कॉलम में डिवाइड किया गया। 4 कॉलम एक्टिविटी है यहाँ पे, टीचिंग पॉइंट, पीपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी, ब्लैक बोर्ड वर्क ऑन एंड मटेरियल एड्स। मॉडल रीडिंग है यहाँ पे सबसे पहले टीचिंग पॉइंट में। मॉडल रीडिंग पीपल टीचर एक्टिविटी वाले में देखिए लिखा गया द पीपल टीचर विल रीड द स्टैंजा अलाउड विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन, राइम एंड स्टाइल। स्टूडेंट एक्टिविटी में लिखा गया द स्टूडेंट विल लिसन द टीचर केयरफुली एंड अटेंटिवली।
अब इसके बाद है इंटीमेशन रीडिंग। द पीपल टीचर विल आस्क द स्टूडेंट्स टू रीड द स्टैंजा अलाउड विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इंटोनेशन राइम एंड स्टाइल। स्टूडेंट उसको रीड करेंगे अच्छे तरीके से जैसे टीचर ने रीड किया था। द स्टूडेंट विल रीड द स्टैंजा अलाउड विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इंटोनेशन राइम एंड स्टाइल। यहाँ पे पैरा है। ओह लुक एट द मून सी इज शाइनिंग अप देयर। ओह मदर सी लुक लाइक अ लैम्प इन द एयर। लास्ट वीक सी वॉज स्मॉलर एंड शेप लाइक अ बो बट नाउ सी इज बिगर एंड राउना एज अ ओ। ठीक है, एक हफ्ते पहले इस तरीके से चांद दिख रहा था मून, अब ऐसे दिख रहा है। दोनों फिगर बना सकते हैं आप, आपको दिखा दिया मैंने। अब यहाँ पे आता है प्रोनाउंसिएशन ड्रिल में यहाँ पे देखिए लिखा गया द पीपल टीचर विल डू द टास्क ऑफ प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। शाइनिंग लैम्प, इसको इस तरीके से पढ़ेंगे शाइनिंग लैम्प शेप्ड बो बिगर। स्टूडेंट वाले कॉलम में लिखा गया द स्टूडेंट विल करेक्ट देयर प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन ड्रिल को भी यहाँ पे आप ब्लैक बोर्ड पे लिख सकते हैं शाइनिंग लैम्प शेप्ड बो और बिगर। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ द डिफिकल्ट वर्ड। वर्ड मीनिंग आप बताएंगे। पीपल टीचर विल राइट द मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड। स्टूडेंट वाले कॉलम लिखा गया स्टूडेंट विल अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड। शाइनिंग का होता है चमक, लैम्प का मतलब होता है दिया, स्मॉल का मतलब होता है छोटा, शेप का मतलब होता है आकार, बो का मतलब होता है धनुष। इसको इन सभी चीज़ों को भी आप बोर्ड पे लिख दीजिए। ठीक है, अब इसके आगे देखेंगे। अब जो अभी आपने पैरा पढ़ा है उसको यहाँ पे आप मीनिंग उसकी बतानी है, एक्सप्लेनेशन है। इस कविता में पीपल टीचर एक्टिविटी वाले कॉलम में देखिए। इस कविता में एक बालक अपनी माँ को कहता है कि चाँद को देखो वह चमक रहा है माँ, यह हवा में दिए जैसा प्रतीत हो रहा है। पिछले हफ्ते वह छोटा था और उसका आकार धनुष जैसा था और अब वह बड़ा है और इसका आकार ओ जैसा है। स्टूडेंट वाले कॉलम में देखिए लिखा गया द स्टूडेंट विल लिसन केयरफुल्ली। अब नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पे है रीडिंग अलाउड बाय पीपल टीचर कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन। वंस अगेन द पीपल टीचर विल गिव अ मॉडल रीडिंग ऑफ स्टैंजा। द पीपल टीचर विल आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चन। स्टूडेंट वाले कॉलम में लिखा गया है द स्टूडेंट विल लिसन टू द टीचर केयरफुल्ली। द एक्सपेक्टेड आंसर ऑफ द स्टूडेंट वुड बी। क्वेश्चन है फर्स्ट फ्रॉम विच पोएम दिस स्टैंजा हैज़ बीन टेकन। स्टूडेंट उसका आंसर देंगे दिस स्टैंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द मून। सेकेंड क्वेश्चन है हु इज लुकिंग एट द मून। आंसर मिलेगा द चाइल्ड इज लुकिंग एट द मून। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, और ये क्वेश्चन आप तभी पूछेंगे जब बच्चों को आप पढ़ा लेंगे, कोई पैरा पढ़ा लेंगे, उसको समझा लेंगे, उसकी वर्ड मीनिंग करा लेंगे, उसका मीनिंग बता लेंगे पूरे पैरे का, तब जाके आप क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। नहीं तो अगर बिना पढ़ाए आप क्वेश्चन आंसर पूछेंगे तो बच्चे आपके क्वेश्चन का आंसर देने में प्रॉब्लम फेस करेंगे और आपका पढ़ाने का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो अच्छे से पढ़ा लीजिए चैप्टर को, तब जाके क्वेश्चन पूछिए। थर्ड क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, हाउ इज मून लुकिंग लाइक। आंसर मिलेगा द मून इज लुकिंग लाइक अ लैम्प। फोर्थ क्वेश्चन है वेयर इज द मून। बच्चे इसका आंसर देंगे, स्टूडेंट्स का आंसर देंगे द मून इज इन द स्काई। फिफ्थ क्वेश्चन है हाउ वॉज द मून लुकिंग लास्ट वीक। तो स्टूडेंट इसका आंसर देंगे फिफ्थ क्वेश्चन का द मून वॉज लुकिंग लाइक अ बो लास्ट वीक। सिक्स्थ क्वेश्चन है हाउ इज द मून एट प्रेजेंट। स्टूडेंट्स का आंसर देंगे द मून इज बिगर एज एन ओ। अब जरूरी नहीं कि जो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर पूछा गया यही आप पूछिए, पैरा पढ़ेंगे तो इसके अलावा भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन अब आता है हेडिंग फाइनल रीडिंग अलाउड। टीचर वाले कॉलम में देखिए लिखा गया द टीचर विल रीड द पोएम अलाउड। स्टूडेंट वाले कॉलम में लिखा गया द स्टूडेंट विल अप्रिसिएट द पोएम। लास्ट हेडिंग आता है आपका लेसन प्लान का, सबसे लास्ट हेडिंग कहा जाता है होम असाइनमेंट यानी कि गृह कार्य। आपसे टीचर भी ध्यान से जब आपका पर्यवेक्षक आएगा, आपका एग्जामिनर आएगा, वो भी पूछ सकता है आपसे इंटरव्यू, आपका जो प्रैक्टिकल होगा कि लास्ट हेडिंग क्या होती है लेसन प्लान के, तो होम असाइनमेंट होता है। इसमें आप बच्चों को पढ़ाने के बाद उनको घर से करके लाने के लिए होमवर्क देते हैं, जिससे आपका जो पढ़ाने का जो वहाँ पे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स था वो तभी कंप्लीट होगा जब बच्चे घर पे जाके उसको रिवाइज करेंगे, और रिवाइज करेंगे तो उनको अच्छे तरीके से सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी। तो यहाँ पे एक होम असाइनमेंट दिया गया लर्न दिस पोएम। स्टूडेंट वाले कॉलम में लिखा गया स्टूडेंट विल राइट ऑन देम नोटबुक।
तो ये था दोस्तों आज का लेसन प्लान। अगर इस लेसन प्लान की पीडीएफ चाहिए आप लोगों तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाके बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं इसकी पीडीएफ। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।